कहीं दुकान बचाने की रेस में तो नहीं भाग रही हो सविता? क्या आप भी सोच समझ के भागना सविता, ऐसा ना हो कि फिनिश लाइन तक पहुंचने के चक्कर में जो कुछ भी बचा कुचा है वो भी फिनिश हो जाए। सासुमा, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डैडी जी? कुछ नहीं जी, बस वो सुबह जल्दी उठ गए थे ना, ऐसे बड़बड़ा रहे थे। अरे वाह सासुमा, जो तक बढ़ रहा, साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अब देखना कुछ अच्छा ही होने वाला है। प्रीति, इतनी जल्दी आ गई बेटा? आंटी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि पापा इस बात के लिए बहुत सीरियस है कि अगर ये 9 दिन में मेरी और वैभव की शादी नहीं हुई ना, तो वो मेरी शादी किसी से भी करा देंगे। और आज ऑलरेडी दूसरा दिन है, आप दोनों के अलावा तो और कोई घर में रेडी ही नहीं है हमारी शादी के लिए। सासुमा, she is right. रूपचंद जी के बारात में अकेला मेरा स्वागत करेंगे? बाराती छोड़ो, दूल्हा भी रेडी नहीं है। दूल्हा, बाराती सब रेडी हो जाएंगे, बारात भी चढ़ेगी और बहुत जल्द तू बहू बन के इस घर में आएगी। और मैं मुंबई भाग जाऊंगी। आपने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, यही कि ये सब होगा कैसे? हाँ, हमें एक एक करके सबको मनाना है। शुरुआत करेंगे दूल्हे के भाई और भाभी से, रोहित और माया से। आओ मेरे साथ। मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे ये दिए थे। ये आप माया जी को दोगी ताकि खुश होकर साले साहब को मना ले, है ना? नहीं, इससे जो पैसे आएंगे वो हम रोहित को देंगे। बेचारा बहुत टाइम से अपना काम शुरू करने की कोशिश कर रहा है, और ये तुम उसे दोगी। उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसके काम में तुम उसकी पैसों की मदद कर रही हो। सासुमा, पक्का मम्मी की दी हुई पुश्तैनी ज्वेलरी बेचोगी? मेरी माँ ने कहा था मुसीबत के वक्त ये मेरे काम आएगा। उसने अपनी बेटी को दिया, मैं अपने बेटे को दूंगी। नहीं नहीं, ये मत बेचिए, पुश्तैनी चीज है। आई एम श्योर कोई और रास्ता निकल आएगा। एक रास्ता है, अगर रोहित भैया को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो वो पैसे तो मेरे पापा भी दे सकते हैं। तब तो आप यूं साले साहब के गुड बुक में आ जाओगी। रियली? और रोहित और माया हमारी तरफ हो जाएंगे, तो दो लोग और हमारी टीम में। एक माँ अपने परिवार की खुशियों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, किंतु कई बार वह अपने मार्ग से भटक जाती है और सही करने के प्रयास में वो स्वयं को समस्याओं में उलझा लेती है। मैं तो संपूर्ण जगत की माँ, मैं कैसे एक माँ को समस्याओं के बीच छोड़ दूँ? मैं तब तक तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी जब तक तुम सही मार्ग न चुन लो। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अरे कल वहां गरबा में म्यूजिक था, माहौल था, वहां प्रपोज नहीं किया। यहां दुकान के बाहर खड़े हैं, रस्ते पर इंतजार कर रहे हैं। जेकब, ऐसी बातों के लिए ना जगह मायने नहीं रखती, है ना? अगर इंसान में हिम्मत हो ना तो आईसीयू में लेटे लेटे भी आई लव यू बोल सकता है। आईसीयू में नर्स को? कोई नर्स वर्स भी देख रखी है क्या? अरे यहां पर सेल्स गर्ल है, उस पर फोकस करो। सुनिए ना, श्रेया मैडम है अंदर, वो बॉस के कैबिन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कैसे हो गया ये सब? ध्यान कहां था आप लोगों का? ये ज्वेलरी शॉप है, नमकीन की दुकान नहीं है कि दो पैकेट चोरी हो गए फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लाख की चोरी हुई है, समझ रहे हैं आप? सो रहे थे आप लोग? सो रहे थे? सॉरी सर,
अरे सॉरी सॉरी बोलने से चोरी का सामान वापस आ जाएगा, है ना? अरे सॉरी बोलो सॉरी, ठीक है ऐसे ऐसे खड़े हो, आ रहा हो पुलिस को इन्फॉर्म करो और ये भी घोषित कर दो चोरी के सामान के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम देंगे हम अपनी तरफ से। जी। और ज्वेलरी शॉप वालों को भी इन्फॉर्म करो, ज्वेलरी के पीछे हमारा ब्रांड नेम लिखा हुआ, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? पीछे लिखा हुआ ना जी, तो चोर कहीं भी बेचने जाएगा तो पकड़ा जाएगा, समझ रहे हैं बात को? सर कल शाम को ना एक बुजुर्ग कपल आया था जो बार बार कह रहा था मुझे अपने पोते के लिए कुछ चाहिए, मुझे लगता है ये उसी कपल ने किया है सर। अच्छा, अरे वेरी गुड यार, मुझे बता दिया आपने, वेरी गुड। मुझे बताने से क्या होगा, पुलिस को बताओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये भी चाय पियो, चाय 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 पियो, चाय 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 हो जाए नहीं ना, तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाइए काम करिए, चोरनी आने वाले, जाइए जाइए यहाँ से। हो ना हो ये काम तो ना उसी बुढ़े कपल का ही है। श्रेया, श्रेया, अरे क्या हुआ, तुम ठीक हो? नहीं वैभव, दुकान में 10,00,000 की चोरी हो गई। सब मेरे निगरानी के अंदर हुआ, कब कोई लेकर चला गया मेरे को समझ में नहीं आया वैभव। ठीक हो? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो। हो ना हो ये काम तो ना उसी बुढ़े कपल का ही है। श्रेया तुम टेंशन मत लो, हाँ सब सब ठीक हो जाएगा। कैसे ना लूं वैभव, नुकसान मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। श्रेया तुम परेशान मत हो, है ना, जो भी हुआ है सब सामने आ जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। आया आया। अरे जी जी, मुझे यहाँ रूपचंद की दुकान पे क्यों बुलाया? अरे ये डेट और टाइम नोट कर लो, किस्मत बदलने वाली है। मतलब रोहित भैया आ गए आप, बैठिए ना, मैं पापा को बुला के लाती हूँ। मम्मी ये सब क्या चल रहा है, मतलब पापा की इज्जत निकालने का, मतलब मेरी बारी है। अरे सबर करिए महाराज। अरे आप आइए आइए, भाभी जी नमस्ते, आइए आइए बैठिए ना, बैठो बेटा आओ बैठो। मम्मी अरे जीजा जी क्या हो रहा है, पेशेंस रखिए। अरे क्या पेशेंस ना, भाभी जी आपको भरोसा है ना कि ये तरीका काम करेगा? मुझे अपने से ज्यादा लक्ष्मी माँ पे भरोसा है, अब बेफिक्र रहिए। हाँ तो रोहित बेटा, प्रीति कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई बिजनेस आइडिया। साले साहब जीनियस, नहाते धोते खाते पीते फ्लैश मारते सिर्फ बिजनेस आइडिया ही आता है। शादी में डीजे सप्लाई से लेकर नकली लाइसेंस तक बनाना क्या? बस उतना काफी है। आप रोहित भैया, वो आपका वो ऑर्गेनिक ऑयल का बिजनेस आइडिया है ना, वही मैं पापा को बता रही थी। हाँ ये ऑर्गेनिक ऑयल वाला आइडिया काफी सही है। मैं भी लोगों को यही समझाता हूँ, आजकल सबको ऑर्गेनिक ही चाहिए, चाहे वो फ्रूट हो, फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो। अरे मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी को ऑर्गेनिक के नाम पर जहर भी पिला दो ना तो वो चुपचाप पी जाएंगे, तो फिर ऑयल क्यों नहीं, है ना अंकल जी? अगर एक बार ये बिजनेस आइडिया सेट हो गया ना, फिर करोड़ों रुपए है इसके अंदर, बस सिर्फ मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है बस। बेटा अब मिलेगा ना, अरे मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए इन्वेस्टर।
क्या? हाँ रोहित भैया, पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आपके लिए इन्वेस्टर ढूंढ के ही रहेंगे। देखो बेटा, वैसे तो मैं कभी बिजनेस और फैमिली को मिक्स नहीं करता, पर प्रीति ने इतना जोर दिया तो सोचा क्यों नहीं। आप मेरे बिजनेस में मेरी मदद करेंगे? अरे करेंगे क्यों नहीं, इनको भी तो ऑर्गेनिक तेल लगाना है, कब तक ये बाल डाई करते रहेंगे। क्यों जी? जी देखो बेटा रोहित, मैं भी व्यापारी और अच्छे बिजनेस आइडिया की समझ है मुझे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम अपने आइडियाज मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए पैसा लेके आता हूँ। मुझे मत देख, ये सब इसकी वजह से हुआ है। थैंक यू, मतलब मैं तुम्हें क्या, मेरा बिजनेस, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अपना, आई एम सॉरी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। थैंक यू। कल जो बुड्ढा बुड्ढी आए थे ना, बड़े अजीब लग रहे थे। मुझे पक्का पता है ये चोरी उन्होंने की है। सर पता नहीं क्यों बेकार में पोस्टर बनवा रहे हैं इनाम के लिए, कोई फायदा नहीं। हाँ, कॉफी। हाय, कैन आई सिट? बैठो। थैंक यू। कॉफी, कॉफी बड़ी अच्छी आ गई है ना। अरे महेश्वरी जलस, राकेश जी, अरे मैंने सुना अंदर पे कांड हो गया। पूरे 10 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है। बाप रे, 10 लाख रुपए? यार बड़ा शातिर चोर लगता है ना, मतलब दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करके ले गए। ये काम तो किसी शातिर चोर का है। वैसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि इसमें ना कोई अंदर का ही आदमी इन्वॉल्व था। नहीं नहीं, हमारा स्टाफ बहुत ईमानदार है। क्या बात कर रहे हो आप, मुझे मालूम है ये चोरी किसने की है। बूढ़े कपल ने? आपको कैसे मालूम? राकेश जी, आप बार बार एक ही बात कितनी बार दोहराएंगे, बूढ़े कपल ने चोरी की, बूढ़े कपल ने चोरी की, बूढ़े कपल ने चोरी की। एक बात एडवाइस दूं कि अपनी चोरी का इल्जाम कभी किसी और पे लगाए ना, तो उनका नाम का ढिंढोरा मत पीटिएगा, अरे लोगों को शक हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप, नॉनसेंस। अरे कहां कहां, पुलिस के पास मैं लेके चलता हूं ना आपको, पुलिस के पास। छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे श्रेया, देखो कौन आया। हिम्मत कैसे हुई तेरी श्रेया को छूने की? ज्वेलरी कहाँ है? बता ज्वेलरी कहाँ है? बता। बताता हूँ, छोड़ो। बता, बताओ कहाँ है? मेरे दोस्त के पास छुपाई है। राकेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सर ने तुम्हें फैमिली की तरह ट्रीट किया, तुमने उनका भरोसा तोड़ दिया। अरे चलिए चोर अंकल, हमें बताइए ज्वेलरी कहाँ है, हम देखते हैं इनको। हाँ श्रेया, ये बहुत ज्यादा छोटा है, तुम इधर आओ। इट्स ओके, इट्स ओके। अरे तुम आओ इधर। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। भाई आइस आइस, तुम इधर बैठो, बैठो आराम से बैठो। Thank you.
श्रेया, अब तुम्हें ठीक लग रहा है? अब मैं यूं गया और यूं आया, तुम यहीं पे रहो, ठीक है? आराम से, मैं आता हूं। आ जाए क्यों नहीं, कितना इंतजार किया मैंने। आपके लिए ग्रिल सैंडविच बना के लाए थे हम। अच्छा, आज ग्रिल सैंडविच लेके आई थी? वाह, पहले बोल दिया होता तो क्लास मिस नहीं करते यार। कोई नहीं, फिर कभी खाएंगे। अच्छा, कैसा चल रहा है कोचिंग सेंटर में? बोर हुए और क्या, आप नहीं आते तो हमारा तो मन ही नहीं लगता क्लास में। अरे हाँ, आज वो पिछले हफ्ते का मॉक टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? आ गया, हम तो पास हो गए। मेरा चेक किया? चेक करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरे जोर शोर से पूरी क्लास के सामने टीचर ने अनाउंस किया आपका रिजल्ट। क्या, इतना माइंड ब्लोइंग नंबर आया? हाँ जी, इतने माइंड ब्लोइंग तरीके से फेल हो गए आप। फेल हो गए? हाँ। अच्छा, वो सब कुछ छोड़िए ना, ये बताइए हमारे पिंक कलर का नेल पेंट कैसा लग रहा है? अरे, मैं मॉक टेस्ट में फेल हो गया और आपको पिंक कलर का नेल पेंट क्या पड़ी है? अरे क्या चल रहा है ये? हैंग? हाँ? हैंग टिल डेथ, मोबाइल हैंग कर गया। क्या छुपा रहे हो? नथिंग, कुछ नहीं, सिवाय उस दर्द के जो मेरे सीने में तेरे जाने के डर से होता। कि शायरी वायरी बंद करो, पहले मुझे ये बताओ मम्मी के साथ मिलके कौन सा नया कांड कर रहे हो? हाँ, और रोहित भैया को लेकर वो रूपचंद की दुकान पर क्यों गए थे? वो अरे उनका नया स्टॉक आया है तो नमकीन टेस्ट करने के लिए बुलाए थे, होता ना आसाम में टी टेस्टर, वैसे यहाँ नमकीन टेस्टर रतलाम में। बस तो तुम सीधा सीधा नहीं बताओगे ना? मत बताओ, फिर आज मैं भी तुम्हारे कोचिंग सेंटर में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट ले लूंगी। अरे क्यों? ताकि मुझे भी तो पता चले ये जनाब टेस्ट वेस्ट में पास हो रहे हैं या फेल। अरे अदिति, तुमको इसके लिए कोचिंग सेंटर जाने तक का लोड लेने की क्या जरूरत है? तुमको मैं दिखाता हूँ ना घर पे लाके रिजल्ट शाम में। पक्का? हाँ पक्का पक्का। ठीक है, अगर आज शाम तक नहीं दिखाया ना तो कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे कोचिंग सेंटर पे मिलूंगी। हाँ ठीक ठीक। देखो, इस घर में जो भी मसले चलते हैं ना। मसले? इस घर के मसले ही खत्म नहीं होते। हाँ तो चलने दो ना, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ गए ना? तुम्हारे लिए आईएएस निकालने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम भी नहीं? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो ना उतना ज्यादा सेक्रीफाइस मैं भी कर रही हूँ। पता है 3 साल से तुमसे दूर रह रही हूँ, इस साल में पक्का पेपर निकालूंगा। वेरी गुड, अब मुझे ये बताओ मम्मी के साथ मिलकर कौन सी नई खुराफा चल रही है? हाँ? नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। अरे सुनो ना, मैं रूपचंद जी से मिलके सीधे यहाँ आई हूँ माथा टेकने। लक्ष्मी माँ ने मेरे लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। मैं, पता है, रोहित इतना खुश था, उसका काम शुरू होने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है और ये सब प्रीति की वजह से हो रहा है। उसी ने रूपचंद जी से बात की होगी रोहित के बिजनेस में पैसे डालने के लिए। अब रोहित भी प्रीति के लिए मना नहीं कर सकता। अरे क्या कर रही हूँ, इधर लाओ, तुमसे एक पैकेट नहीं खुलता, ये देखो, इसे ना सही जगह पकड़ के ऐसे ऐसे खोलते हैं। खुल गया? सही जगह ध्यान देती ना तो खुल जाता। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ सविता, कि ध्यान दो, अनुचित प्रकार से किए गए किसी भी कार्य का परिणाम उचित नहीं होता। अरे वाह, मेरा ज्ञान घुमा के मुझे को सिखा रही हो, मैंने क्या गलत किया? तुम ना खुश मत होना मेरे लिए, अब रोहित प्रीति के लिए मान गया है, धीरे धीरे मैं सबको मना लूंगी। परंतु उस लड़की का क्या जो तुम्हारे बेटे वैभव के साथ थी? अरे तुम फिर से अटक गई उस लड़की पे। मेरे बेटे ने कहा ना
कुछ नहीं है उन दोनों के बीच में। बहुत खुश थी मैं आज, सोचा था तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊंगी, सारा मूड खराब कर दिया, अब नहीं खिलाऊंगी, बाद में मिलती होगी। विकल्प सही चुना होता तो परिस्थिति को ठीक करने के लिए तुम्हें इतना प्रयास नहीं करना पड़ता सविता। तुमने तो दिशा ही सही नहीं चुनी, तो फिर परिणाम अनुकूल कैसे होंगे?